नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल साइंस वाले पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे आरआरबी असम परीक्षा 2016 में जो पेपर लगा था उसके बारे में, जीके जीएस और करंट के क्वेश्चन जो प्रत्येक एग्जाम में लगभग बार-बार रिपीट होते हैं, आज बात करेंगे इनकी डिटेल से दोस्तों, तो लास्ट तक बने रहिए। देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है कि ज्यामिति के जनक किसे कहा गया है, तो यूक्लिड को ज्यामिति के जनक कहा गया है दोस्तों, यूक्लिड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बर्लिन की दीवार, विश्व प्रसिद्ध बर्लिन की दीवार कब गिराई गई, तो 1989 में यह विश्व प्रसिद्ध बर्लिन दीवार गिराई गई 1989 में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है, यानी दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है, और सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है, और इमारत पूछी जाए तो बुर्ज खलीफा इमारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि राष्ट्रपति को शपथ भारत के कौन दिलाता है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि कामरूप किस राज्य में स्थित है, तो असम राज्य में स्थित है कामरूप। कामरूप किस राज्य में स्थित है दोस्तों, असम राज्य में स्थित है कामरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष होती है, 65 वर्ष सेवानिवृत्ति की आयु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि बेकिंग सोडा होता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका सूत्र होता है NaHCO3, इसका सूत्र होता है दोस्तों। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि बेकिंग सोडा या खाने बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो NaHCO3 दोस्तों। कुछ महत्वपूर्ण सूत्र है जो आप नोट कर सकते हो, जैसे बेकिंग सोडा या खाने का सोडा, इसे खाने का सोडा भी कहते हैं, खाने का सोडा, इसका सूत्र होता है दोस्तों NaHCO3। एक होता है धोने का सोडा, इसका सूत्र होता है दोस्तों Na2CO3। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, देखिए दोस्तों याद करने का तरीका है, खाने के सोडे से एच हाइड्रोजन को दोनों पग नीचे लटके हुए हैं, इन दोनों पगों को खींच कर बाहर निकाल दो और धो दो, बिल्कुल जिस प्रकार कपड़े धोने के लिए डंडा को निकाला जाता है, इस प्रकार इसके दोनों पगों को पकड़ के कपड़े धोने के लिए निकाल दो, धोने का सोडा हो जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कि चंद्रशेखर सीमा किसका मात्रक है, तो द्रव्यमान का मात्रक है दोस्तों, द्रव्यमान का सबसे बड़ी यूनिट है चंद्रशेखर सीमा। दोस्तों यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। विश्व तंबाकू दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व तंबाकू दिवस 31 मई को मनाया जाता है, विश्व तंबाकू दिवस 31 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के बिस्मार्क किसे कहते हैं, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहते हैं। बिस्मार्क दिस सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों धर्म नस्ल जाति लिंग के आधार पर भेदभाव को निषिद्ध किस अनुच्छेद में बताया गया है, यानी धर्म नस्ल जाति लिंग के आधार पर भेदभाव अनुच्छेद 15 में बताया गया कि अनुच्छेद 15 के तहत धर्म नस्ल जाति लिंग के आधार पर हमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि केला सत्यार्थी और मलाला को नोबेल पुरस्कार कब मिला, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, केला सत्यार्थी और मलाला को कब नोबेल पुरस्कार मिला, तो 2014 को इन दोनों को संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार दिया गया, केला सत्यार्थी और मलाला को 2014 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों कि भारतीय मंगल ग्रह अभियान कब प्रारंभ किया गया, कब से शुरू किया गया, तो 5 नवंबर 2013 को भारतीय मंगल ग्रह लॉन्च किया गया, 5 नवंबर 2013 को।
इस प्रकार दोस्तों पूरा कंप्लीट क्वेश्चन हुए। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ऑन कर ले, ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू।